खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी, हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में 98 नए मामले सामने आए हैं। साइबर सिटी का मौजूदा हाल जो है वो आपको बता रहे हैं। 98 नए मामले। सोनीपत की अगर बात करें तो 85 मामले सोनीपत में सामने आए हैं। रोहतक में 104 मामले सामने आए हैं। तो बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई। 314 कुल मामले सामने आए थे, जिनमें से अब प्रपोर्शन समझिए जिलेवार। पलवल में 24 मामले हैं, तो वहीं पानीपत की अगर बात करें तो 21 नए मामले पानीपत में सामने आए हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और साइबर सिटी लगातार खतरे के निशान को छू रही है। 98 नए मामले साइबर सिटी गुरुग्राम में सामने आए हैं। सोनीपत की अगर बात करें तो 85 नए मामले सोनीपत में भी देखने को मिले हैं। रोहतक में 104 मामले सामने आए हैं। रोहतक में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। सोनीपत में 85 मामले हैं। तो गुरुग्राम से इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो वहीं रोहतक से संजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गुरुग्राम का रुख करेंगे और विजेंद्र से बात करेंगे। 98 नए मामले सामने आए हैं विजेंद्र, और ऐसे में तस्वीरें क्या कह रही हैं ग्राउंड जीरो पर, लोगों का रुझान क्या कह रहा है, उनकी जागरूकता क्या बता रही है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से कोरोना का लगातार कहर चल रहा है साइबर सिटी गुरुग्राम में, ऐसे में लगातार जो टेस्टिंग प्रक्रिया है वो भी बढ़ाई जा रही है। 24 घंटे में जिस तरह से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, उसी की अपेक्षा लगातार जो मामले हैं, रिकवरी रेट भी वो लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन लगातार कोरोना को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। कंटेनमेंट जोन में काफी सख्ताई की गई है, जो टेस्टिंग प्रक्रिया है वो काफी बेहतर की गई है। 2300 से ज्यादा एक दिन में टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मुख्य सचिव हरियाणा केशनी आनंद अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमेटी से जुड़े कोविड-19 से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की थी, और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो टेस्टिंग प्रक्रिया वो बढ़ाई जाए, और साफ तौर पर जो प्लाज्मा डोनेट को लेकर भी फरीदाबाद जो पीजीआई रोहतक में जिस तरह से बैंक बनाए गए हैं, तो गुरुग्राम में भी बैंक स्थापित किया जाए जिससे कि लोगों को फायदा हो। साथ ही साथ जो संक्रमित मरीज है उनके कॉन्टेक्ट में जो लोग आ रहे हैं उनकी हिस्ट्री खंगालने के लिए एक दिन में करीब 80% लोगों का जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है वो खंगाली जाए। साथ ही साथ लगातार जो कोरोना के अलावा जो मरीज हैं, चाहे किडनी के मरीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर या शुगर के, उनके लिए भी बेहतर सुविधा दी जाए। साथ ही साथ जो लाइव स्पॉट एम्बुलेंस चलाई गई है जिसमें आईसीयू की सुविधा है, करीब बेड़े में 8 एम्बुलेंस नई जोड़ी गई है, तो ऐसे में एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो भी बेहतर की गई है। रिस्पॉन्स टीम भी लगातार जो कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर जो लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंच रही है। करीब 11 टीमें काम कर रही हैं। लौटूंगी मैं और बातचीत होगी आगे। प्लाज्मा को लेकर के जो डोनेशन का बैंक क्या आपने जिक्र किया है उस पर बात करूंगी, और साथ में मौजूदा परिस्थितियों में किस तरीके से कंटेनमेंट जोन्स की केयर की जा रही है, दो विषय आपसे रहेंगे। इसके पहले रोहतक का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रोहतक से। संजय, सबसे पहले अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए कि ग्राउंड जीरो के ऊपर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि जो आज मौजूदा तस्वीर है रोहतक की वो डराने वाली है। 104 नए मामले सामने आए हैं रोहतक में। बिल्कुल पूजा, देखिए 104 नए मामले आना अपने आप में साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन जो है अलर्ट दिखाई देता है और लोग कितने जागरूक यहाँ पर हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आए दिन जो है 50 से अधिक जो है केस वो नए आ रहे हैं, और उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट भी दिखाई देता है, और जहां भी नए मामले आते हैं उस जगह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है और उस जगह के सैंपल जो है सैंपलिंग शुरू कर दी जाती है। यही मेरे सहयोगी जैसे विजेंद्र ने बताया कि सैंपलिंग रेट जो है वो भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन देखिए पूरी तरह से अलर्ट जरूर दिखाई देता है, लोगों को जागरूक भी जरूर करता दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में के अंदर जो है जागरूकता अभी तक दिखाई नहीं देती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है भीड़ भाड़ दिखती है उनकी, और जो है काफी जो है सामान खरीदते यहाँ पर
दिखाई देते हैं। कई कुछ ऐसे बाजार है जिनको जो है जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सख्ती बरते हुए उनको जो है विषम संख्या में तब्दील कर दिया गया है। एकदम सम वाले लाइन खुलेगी, दूसरी रो जो है विषम वाले दिन खुलेगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट भी दिखाई देता है, लेकिन लोगों का इस पर कोई असर यहाँ पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस तरह से मामले संजय दर्शक तो जो मौजूदा दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जी मौजूदा दर्शक जो संजय आपको देख रहे हैं, उनको जो रोहतक से मृत्यु का आंकड़ा है उसमें बुजुर्गों की संख्या क्या है और जो नौजवान वर्ग है उसकी संख्या क्या है, ये एक बार क्लियर कर दें, ताकि बुजुर्गों को कितना सिक्योर अपने घर में रखना है ये उनके जहन में मतलब सावधानी से बैठ जाए ये बात। बिल्कुल पूजा, देखिए प्रशासन और मीडिया लगातार लोगों से अपील करता है कि बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनको ज्यादा इस संक्रमण से खतरा है, और कहीं ना कहीं जो बीमार व्यक्ति हैं उनको इस संक्रमण से दूर रहना चाहिए और घर पर ही रहना चाहिए। ऐसे में आपने बुजुर्गों की बात कही, तो अभी तक रोहतक की मौत का आंकड़ा मैं बता दूं कि जो रोहतक की मौत का आंकड़ा 13 हो गया है, क्योंकि कल जो है एक बुजुर्ग महिला जो बुजुर्ग युग था उसकी मौत हुई है, बुजुर्ग आदमी की, वो कहीं ना कहीं अस्थमा से जो है बीमार था, उसका इलाज चल रहा था पीजीआई के अंदर, और पीजीआई के दौरान जो इलाज के दौरान उसकी जो है मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है डराने वाला है। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि 13 लोग जो है अभी मौत की अगोश में सो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ज्यादातर जो है बुजुर्ग यहाँ पर दिखाई देते हैं, ज्यादातर 60 से ऊपर के जो लोग हैं उनकी उनकी मृत्यु रेट ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है ये सोचना होगा कि आप कम से कम घर से बाहर निकले, और ज्यादा से ज्यादा जो है बुजुर्गों को ये सावधान रहना पड़ेगा कि आप लोग जो है कम से कम घर से बाहर निकले, क्योंकि ये हमारी महामारी जो है विषम महामारी है, इस पर जो है ज्यादा से ज्यादा अटैक जो है वो जो किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोग हैं या मरीज है उनसे होता है। खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली या आसपास के जो इलाके हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहां से जो है रोहतक में संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। इनमें से 13 तो बहुत सा आंकड़ा बताया, इनमें से बिल्कुल ऐसे आदमी है जो जिनका इलाज जो है दिल्ली में किडनी का मरीज या फिर कैंसर के इलाज के दौरान जो दिल्ली गए थे वहां से ग्रसित होकर वो यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा जो 13 हुआ है वो बिल्कुल प्रशासन को कहीं ना कहीं संजय प्रशासन को इम्यूनिटी पर भी काम करना पड़ेगा, और साथ में सैनिटाइजेशन, ये दो अहम जानकारी निकल करके सामने आई है बातचीत में आप दोनों से ही, कि इन दोनों पर काम करना बहुत जरूरी है। लोगों को जागरूक तो करें ही, साथ में ये भी बताएं कि आखिरकार उनकी इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।